नाम सुनीता गौतम है, मेरा नाम, मैं समाज सेवी हूँ और हमारे जो दलित समाज से संबंध रखती हूँ। और जो ये छेड़खानी हमारे बाबा साहब के संविधानों को बिगाड़ने में करी है इन लोगों ने, एक ये सोची समझी साजिश है। तो इस साजिश को लेके जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, दलितों के साथ जो अन्याय हुआ है, वो अन्याय हम नहीं होने देंगे, क्योंकि ये जाति एक्ट एकदम से बदल के आज तक संविधान में कभी छेड़छाड़ी नहीं हुई, जबकि इतने सालों से सरकारें चल रही हैं और ये सरकार ऐसी आई है कि इन्होंने बाबा साहब के नाम को ही खत्म करना चाहे, क्योंकि हमारे जो कोविंद जी हैं उनको ऐसी समाज से उठा के और संविधान जो बनाया है उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगा के और कोविंद जी से सहमति दिलवा दी है। तो ये ऐसी सरकार साजिश है सर, उनकी साजिश जी सर। मेरा राजगिरी नाम है, राजगिरी नाम है सर। हमारा जो SC ST का कानून चल रहा था शुरू से ही, एक मिनट, SC ST का जो कानून चल रहा था शुरू से ही, वो इन्होंने संविधान बदल दिया। हमारा जो हमारा वापस संविधान बदला है वो वापस लिया जाए, जो कानून बदला है वो वापस लिया जाए, हमें वापस चाहिए। जो कवच था, जिससे कवच से लोगों को डर लगता था, आज वो कवच वो खत्म हो, वो छीन लिया जी, हमसे सब कुछ छीन लिया इन्होंने, हर चीज। देखो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे बच्चों के तो रास्ते सब कुछ बंद कर दिए, नौकरियां बंद कर दी हैं जी सर, ठीक है। तो देखो और लोगों के पास तो सब कुछ है, उनके पास व्यापार भी है, खेती बाड़ी भी है, धन दौलत भी है, पैसा भी है, हर चीज उनके पास है, हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है हमारे पास, तो हमारे बच्चों से सब कुछ छीन लो। अगर हमारे पास आज नहीं तो कल कुछ भी नहीं होगा, ये सब तो हमें चाहिए, चाहिए तो चाहिए। जहाँ पहले थे ना वो हमें पीछे वही ले जा रहे हैं, ये हमारे संविधान से कोई छेड़खानी ना करे, जैसा चल रहा था वैसे चलते रहना चाहिए, और जो संविधान से छेड़खानी करेगा तो वो चूर चूर हो जाएगा। देखिए हमारी सबसे बड़ी मांग है कि जो हमारा SC ST जो 1989 जो एक एक्ट बना हुआ था, जो हमारा एक कवच के रूप में काम करता था, हमें वही उसी रूप में चाहिए और मजबूती के रूप में चाहिए। जो FIR इन्होंने कहा है कि FIR जो होगी वो SSP लेवल से पूछ कर होगी, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले FIR होनी चाहिए और जो एक्यूज है उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, और जो भी हमारे जो पुलिस ऑफिसर हैं जो भी इसके अंदर गलत करते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो कानून की जो प्रक्रिया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसका टाइम बाध्य होना चाहिए कि हमें जो एक निर्णय मिले वो इतनी तय सीमा समान समय में होने चाहिए। और इसके अलावा जो अग्रिम जमानत की जो बात कही गई है, वो अग्रिम जमानत में कोई छूट नहीं देनी चाहिए, तुरंत गिरफ्तारी हो, तुरंत 6 महीने के अंदर जेल हो सके तो 1 साल की से पहले जेल। हिंदू जी कल पूरा भारत बंद रखा आपने, आज आप दिल्ली बंद करने का आश्वासन है और पूरी विधानसभा के अंदर इस तरीके के चल रहा है, अगर आपकी बातें नहीं मांगी गई तो आगे आगे क्या जैसे ये आंदोलन 2 तारीख को चला था, भारत बंद था, वैसे ही आंदोलन ये चलता रहेगा।